डॉक्टर साहब। आजू क्या हुआ? क्या मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आजू तुम कुछ परेशान सी लगी हो, बैठो बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। अरे पूछो ना। क्या? राणा के बारे में। राणा? आप कब से जानते थे कि राणा फरार है और यही कहीं आसपास है? अरे क्या बकवास कर रही हो, राणा तो कब का मर चुका। नहीं, राणा जिंदा है, यहीं आसपास है और आप लोग अच्छी तरह से जानते थे। नहीं आरजू नहीं, राणा मेरे ही जेल में था, उसने वहां से भागने की कोशिश की और मारा गया, मेरे अपने ही आदमियों ने उसको मारा। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, समझे? आरजू इंस्पेक्टर साहब की बातों को मानो, उन्होंने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी को देखा है। डेड बॉडी नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देखी। मकरंद बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। मेरे पास सबूत है कि राणा जिंदा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन की मुर्दा लाशें, मेरे चाचा और मेरे छोटे भाई की मुर्दा शक्लें, जो बताती है कि राणा ने उस घर में क्या कांड किया होगा। क्या? आरजू शांति रखो, अपने आप को संभालो, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। यही तो आपकी प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर साहब, कि आपको सब कुछ पता होता है लेकिन आप मुझे नहीं बताते हैं। आप कदम तब उठाते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से नाकामयाब रही है क्योंकि आप लोग केवल झूठे आदर्शों और असूलों की बातें करते हैं, बातें, सिर्फ बातें। क्योंकि जो लोग सचमुच काम करते हैं ना, वो पहले से तैयार रहते हैं ताकि कोई नुकसान ना होने पाए। छोड़ो मकरंद, छोड़ो, तुम लोग यहाँ आराम से बैठे रहे और वो वहाँ मेरे गांव में मेरे घर में घुस गया। लेकिन जो मरा था वो कौन था? राणा ने हमारे साथ ये चाल चली है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब, अब आप क्या करेंगे? मेरा तो पूरा खानदान तबाह हो गया है, मेरे माँ बाप मारे गए, मेरी छोटी बहन मारी गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? नहीं संभालूंगी अपने आप को, मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगी अपने आप को। जितना मैं बेकाबू रहूंगी राणा के लिए उतनी ही खतरनाक बनती जाऊंगी। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस वक्त, लेकिन एक बात बता दूं कि जब तबाही होती है ना तो उसके साथ जुड़ी दूसरी चीजें अलग नहीं रहती। राणा अभी तक मरा नहीं, लेकिन उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। हम सब लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, भले वो कहीं भी हो।